बुरहानपुर बस स्टैंड स्थित अंग्रेजी शराब दुकान से एक्सपायरी डेट की बियर बेचने का मामला सामने आया है। आबकारी विभाग ने दबिश देकर यहां से 15 पेटी शराब जब्त की है। इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। बुरहानपुर के बस स्टैंड स्थित शराब दुकान से एक्सपायरी डेट की बियर की बिक्री की जा रही थी। यहां फोस्टर कंपनी की एक्सपायरी डेट की बियर की बोतलें ग्राहकों को बेची गई। शिकायत के बाद जिला आबकारी अधिकारी एमके शर्मा ने विशेष दस्ता कार्रवाई के लिए भेजा। शुरुआत की जांच में एक्सपायरी डेट की शराब यहां बड़े पैमाने पर मिली है। बस स्टैंड की लाइसेंसी अंग्रेजी दुकान रमेश चंद्र राय के नाम है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर एक्सपायरी डेट की शराब बेचने की शिकायत मिली थी। टीम लीडर रविशंकर तिवारी ने दलबल के साथ दबिश दी, जिसमें अमानक शराब को जब्त किया गया। आबकारी विभाग के 6 से अधिक अफसर कर्मियों ने 2 घंटे तक यहां सर्चिंग की। इस मामले में उक्त शराब दुकान मालिक रमेश चंद्र राय पर केस दर्ज किया जाएगा। वहीं इस कार्रवाई पर आबकारी विभाग की अधिकारी अभिलाषा वर्मा ने कहा कि जब एक्सपायर्ड दवाई खाने से प्रॉब्लम हो सकती है तो एक्सपायर्ड बियर से क्यों नहीं। वहीं उन्होंने सजा की बात पर कहा कि इस पर वरिष्ठ अधिकारी फैसला करेंगे। अवैध नहीं है, कुछ भी अवैध नहीं होता। क्या है कि जो बियर थी उसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो एक्सपायरी डेट इसके ख़त्म हो चुकी थी। अब ये लोग यहाँ, इनके पास स्टॉक था तो ये देख नहीं पाए, तो इनकी रखी रह गई और किसी ग्राहक ने इसको खरीद लिया, तो चूंकि वो एक्सपायरी डेट की हो गई थी तो उनकी शिकायत पे हम यहाँ पर आए और जो 6 पेटी बियर थी फास्टर की वो हमने अपने जब्त कर लिया, उस पर कार्रवाई कर रही है। कुछ नहीं है, ये 26 एक महीना भी नहीं हुआ अभी, उसको कार्रवाई ही नहीं होगी। जब एक्सपायरी डेट हो गई, बियर पीने लायक नहीं है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और उसको नोटिस देंगे। अब ये कार्रवाई नहीं, इसके संबंध में सजा का क्या प्रावधान है, कार्रवाई ये आपको हमारे वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे। अभी हमने यहाँ से जो शराब जो एक्सपायरी डेट की है उसको जब्त कर लिया, अब इसका प्रतिवेदन हम जिला आबकारी अधिकारी को भेजेंगे। ये रमेश चंद्र राय हैं। डेट की दवाई खाने से नुकसान है तो एक्सपायरी डेट मतलब खत्म हो चुकी है। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से उम्मीद है कि जिले में सक्रिय शराब माफियाओं पर अंकुश लगेगा। साथ ही विभाग को उक्त दुकानदार पर सख्त कार्रवाई करके एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बुरहानपुर।